हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, क्लास टेंथ वाले बच्चों के लिए। आज हम आप लोगों को यह बताने वाले हैं कि क्लास टेंथ की इंग्लिश का जो नया सिलेबस है, जो कि 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, यह बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि आपको प्यारे बच्चों क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सारे बच्चे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है। अगर चैनल पर आप नए हैं तो पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं जो सिलेबस है क्लास टेंथ का, इंग्लिश का सिलेबस। ठीक है, ये बोर्ड के द्वारा जारी किया गया सिलेबस है, आपको इसको देखना है डीपली और समझना है। और आपको फालतू के चैप्टर नहीं पढ़ने, जिसमें जितना जो भी है उसको आपको पढ़ना है। कहाँ से कितने क्वेश्चन आएंगे मैं सारी बातें आपको क्लियर करने वाला हूँ। कह देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर इन 70 मार्क्स। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा ना बोर्ड एग्जाम, वो 70 मार्क्स का होगा। इंटरनल असेसमेंट विल बी 30, और जो 30 मार्क मिलेंगे आपको वो स्कूल के द्वारा इंटरनल मार्क होते हैं। और ये 70 मार्क्स का आपका क्या होता है, पेपर होता है। ठीक है, तो पहला जो आपका सेक्शन रहेगा बोर्ड परीक्षा में, पहला सेक्शन आपका होगा रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में आपको क्या दिया जाएगा, 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज दिया जाएगा। ठीक है, 1 शॉर्ट अनसीन पैसेज दिया जाएगा, और उसमें आपको 3 MCQ दिए जाएंगे। कितने MCQ जाएंगे, 3, और तीनों एक एक नंबर के होंगे। उसी अनसीन पैसेज से एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, और उसमें आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे। उसी 3 क्वेश्चन MCQ टाइप होंगे ना, बहुविकल्पीय टाइप होंगे, और वो सारे आपके क्या होंगे, एक एक नंबर के होंगे। 3 मार्क्स आपको सुनिश्चित करेंगे। दूसरा आपका रहेगा 1 अनसीन पैसेज, एक और अनसीन पैसेज रहेगा, 3 वेरी शॉर्ट आंसर बड़ा रहेगा। ठीक है, बड़ा अनसीन पैसेज रहेगा, और उसमें आपको वेरी शॉर्ट आंसर होगा, MCQ नहीं होगा, आंसर करना होगा, शॉर्ट आंसर लिखना होगा आपको, एक एक लाइन में उसको आंसर देना होगा। ये कितने होंगे, ये भी 3 होंगे, और ये कितने अंक के होंगे, 6 अंक के होंगे। तो 3 ये और 6 ये, 6 3 9, ये टोटल जो अनसीन पैसेज हो 10 मार्क्स का है। और उसमें से एंड 1 वोकैबुलरी बेस्ड, और 1 वोकैबुलरी होगा। ठीक है, 1 वोकैबुलरी जैसे पूछ लेगा कि एंटोनिम्स क्या है, सिनोनिम्स क्या है, कोई शब्द दे देगा उसका विलोम पूछ लेगा, उसका पर्यायवाची पूछ लेगा, उसका मतलब पूछ लेगा। ठीक है, तो 1 नंबर का ये होगा, ये टोटल आपके 10 नंबर के होंगे। पहले जो एक अनसीन पैसेज मिलेगा उसमें 3 MCQ होंगे, दूसरा जो अनसीन पैसेज मिलेगा उसमें 3 वेरी शॉर्ट आंसर, मतलब एक एक लाइन में आपको आंसर करना होगा, और 1 वोकैबुलरी बेस्ड होगा। ये आपके 10 नंबर के रीडिंग सेक्शन से हो जाएंगे। ठीक है, अब आते हैं राइटिंग सेक्शन में। राइटिंग सेक्शन में पहला आपका होगा लेटर लिखना रहेगा, फॉर्मल या इनफॉर्मल। चाहो तो आप लेटर लिखो, ऑब्लिक लगा है एप्लीकेशन, या तो आप लेटर लिखिए या क्या लिखना है, एप्लीकेशन, दोनों में से आपको एक लिखना हो। ये टोटल कितने मार्क्स के हैं, 4 मार्क्स के हैं। ठीक है, या तो आपको लेटर लिखना है या क्या लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, और ये 4 मार्क्स के होंगे। दूसरा है डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ, रिपोर्ट, आर्टिकल। ठीक है, चाहे आप डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ लिखिए, चाहे आप रिपोर्ट लिखिए, चाहे आर्टिकल लिखिए, 1 ऑप्शन बेस्ड ऑन योर गिवन वर्बल इनपुट, अनदर द फिगर इनपुट, अबाउट 80 to 100 words। चाहे आप कोई आर्टिकल लिखिए, आर्टिकल समझते हैं जो एस्से वगैरह होता है ना, उसी को, तो आप चाहे रिपोर्ट लिखिए, चाहे आर्टिकल, एस्से कहिए, आम भाषा में एस्से कहते हैं ना, निबंध। ठीक है बच्चा, एस्से वही एस्से, आर्टिकल। ठीक है, एस्से आर्टिकल में थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन रहते ऐसे ही हैं। तो चाहे आर्टिकल लिखिए, चाहे एस्से, चाहे क्या लिखिए, पैराग्राफ लिखिए, चाहे रिपोर्ट लिखिए, और ये कितने अंक के होंगे, ये 6 अंक के होंगे। ठीक है, तो 6 4 10 कितने होंगे, 10 10 20 अंक आपका हो चुका। चलिए अब आते हैं ग्रामर सेक्शन, जो बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्शन होता है। ये ध्यान से देखिएगा, 5 MCQ होंगे, बेस्ड आधारित होंगे किस पे, ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच अभी हम पढ़ा रहे, सीरीज चल रहा है बेटा, इस पे पार्ट्स ऑफ स्पीच से, टेंस से, आर्टिकल से, और रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंस से, इनसे और किससे, स्पेलिंग से, इससे मिला के कितने को MCQ होंगे बेटा, 5 MCQ होंगे, महत्वपूर्ण होंगे, और 5ों एक एक नंबर के होंगे, 5 नंबर होंगे। इसीलिए आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, आर्टिकल बहुत डीपली पढ़ना है, रीऑर्डरिंग पढ़ना है, और स्पेलिंग पढ़ना है। ये आपके 5 नंबर के हो गए।
क्लियर है। और ये सारे आपके ज्यादा लंबे चैप्टर नहीं है, बस बहुत जो है मैं पढ़ा रहा हूँ, प्रोनाउन हो गया है, आप उसको वीडियो जरूर देखिएगा। तो 5 एमसीक्यू ये हो गए सर आपके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, करा 3 वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नंबर जो ग्रामर सेक्शन में 6 रहेगा वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप रहेगा। किस पे बेस्ड रहेगा? नरेशन पर बेस्ड रहेगा। किस पे? नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा, एक वॉइस आएगा यानी कि एक एक्टिव और पैसिव वॉइस में से एक आएगा और एक आएगा पंचुएशन से। तीनों बहुत आसान हैं, ये 6 आपके फ्री के हो जाएंगे, बस हमारे चैनल पे जुड़े रहिएगा। एक भी मारा वादा है 95+ आपको अंग्रेजी में दिलवा के रहेंगे, हमने दिलवाए हैं हर बार, हम 99 तक बच्चों को नंबर दिलवाए हैं 100 में, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, ये 6 के हो जाएंगे, 6 के किस पे, 2 अंक के रहेंगे नरेशन और एक्टिव पैसिव और पंचुएशन, 3 × 6 ये 6 का ये हो जाएगा आपका, समझ में आई। 2 अंक के होंगे, 2 अंक का नरेशन, 2 अंक का एक्टिव पैसिव और 2 अंक का पंचुएशन, ये दोनों मिला के 6 हो जाएंगे और ये 5, 6, 5, 11 हो गया। उसके बाद आपको ट्रांसलेशन दिया जाएगा, 60 दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें 4 होंगे और ये 4 के होंगे, ठीक है। एक ट्रांसलेशन आएगा पैसेज ट्रांसलेशन, 4 होंगी, उसमें 4 का होगा, तो क्या हो गया 6, 4, 10 और 6, ठीक है, 6, 4, 10 और 5, 15 अंक आपका ग्रामर का ये हो गया, आपका ग्रामर का 15 अंक हो गया, ठीक है। अब चलिए आते हैं लिटरेचर पर, ये देखिएगा लिटरेचर पे। अब लिटरेचर जो फर्स्ट फ्लाइट है उससे आपको 23 का पूछा जाएगा, फर्स्ट फ्लाइट से 23 यानी कि प्रोज और पोएट्री मिलाकर आपका 23 का पूछा जाएगा, जिसमें जो प्रोज सेक्शन है वो 15 का होगा। तो देख लेते हैं प्रोज सेक्शन में पूछेगा क्या क्या। तो प्रोज सेक्शन में जो आपका पहला क्वेश्चन पूछेगा वो रहेगा 2 MCQ, ठीक है, क्या रहेगा 2 MCQ रहेगा, 2 MCQ होंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, बेस्ड ऑन योर गिवन एक्सट्रैक्ट, एक्सट्रैक्ट मतलब एक क्या होगा पैसेज दे देगा, पैसेज टाइप का दे देगा आपको और उसमें से 2 MCQ पूछ लेगा, ठीक है भैया। आगरा पूछेगा 3 MCQ बेस्ड ऑन द लेसन, जो पाठ है जो चैप्टर आपके हैं उस चैप्टर से क्या करेगा 3 MCQ पूछेगा भैया, कितने पूछेगा 3 MCQ पूछेगा, बता रहा है ध्यान से देखिएगा, कह रहा 3 MCQ इसको पूछना है कहां से, लेसन से। अब जानते हो क्या पूछ लेता है, लेसन का नाम देकर और लेखक का नाम पूछ लेता है, बहुत आसान पूछेगा, आप लोग ध्यान नहीं देते, बहुत ही आसान पूछता है बार बार, ठीक है। तो 3 MCQ पूछेगा किस पे, ऑन द लेसन, जो पाठ आपके होंगे लिटरेचर में उसी से यह 3 MCQ पूछेगा, क्लियर है। अगला प्रोज से पूछेगा 2 short answer, ठीक है, 2 short answer टाइप क्वेश्चन, करीब 30 से 40 वर्ड में आपको लिखना रहेगा, प्रोस से कितने अंक के होंगे, ये 3 और 3, 6 के होंगे, 2 short answer, 1 short answer 3 का होगा, ठीक है। उसके बाद एक लॉन्ग आंसर पूछेगा जो करीब आपको 60 वर्ड्स में लिखना रहेगा और उसका जो अंक आपको निर्धारित किया गया है वह 4 का होगा, ठीक है। अब आते हैं पोएट्री सेक्शन पे, पोएट्री सेक्शन में 2 MCQ बेस्ड, पोएट्री का भी एक पैसेज दे देगा, एक्सट्रैक्ट दे देगा ना, और उस पोएट्री से 2 MCQ पूछ लेगा, 2 MCQ आपके 2 के हो जाएंगे, 1 नंबर के, पोएट्री का कोई एक पैसेज दे देगा, स्टेंजा दे देगा और उससे MCQ बना के पूछ लेगा 2 का। उसके बाद जो पोएट्री से पूछेगा 1 short answer टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन योर पोएट्री लेसन अबाउट 30 to 40 वर्ड्स, लेकिन इसके पास आपके पास विकल्प है, देखो आर लगा है, चाहो तो पोएट्री का 60 लिखो और चाहो तो 4 का पोएम लिख दो, ठीक है, इसमें और इसमें से आपको एक ही करना है, चाहे 60 लिखो पोएट्री का, चाहे 4 का पोएम लिखो, तो इसके चक्कर में मत पड़ना, 4 का पोएम याद कर लेना, आसानी से आपका काम बन जाएगा, क्लियर है। तो आपको अब पहले क्या होता था ना, पहले होता था कि 4 पोएम और सेंट्रल आइडिया में से एक लिखना है, लेकिन नहीं, अब सिलेबस बदल चुका है, अब 60 या 4 पोएम में से एक लिखना है, तो 4 पोएम आप लिख देंगे, 60 के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, ठीक है।
कितने अंक के होंगे, ये बेटा 3 अंक के होंगे। अब 14 क्वेश्चन है, जो सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है, ये इम्पोर्टेंट है। अब इसमें विकल्प नहीं मिलता है, आपको सेंट्रल आइडिया लिखना ही लिखना है, और सेंट्रल आइडिया लिखना आपको 3 अंक का, तो 8 अंक का आपका पोएट्री हुआ। अब अगला आपका है फुटप्रिंट विदाउट फीट, मतलब कि सप्लीमेंट्री का, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री से 5 MCQ बेस्ड होंगे ऑन द लेसन, जो पाठ है ना, उस पाठ से कितने MCQ होंगे, 5 MCQ होंगे, और ये 5 अंक के होंगे, क्लियर है। उसमें से सप्लीमेंट्री से 1 शॉर्ट आंसर पूछेगा 30 से 40 वर्ड में, और उसके लिए आपको 3 अंक निर्धारित किए गए हैं, और फिर क्या पूछेगा, 1 लॉन्ग आंसर भी पूछेगा, करीब कितने वर्ष में लिखने हैं, 60 में, जिसके लिए आपको 4 अंक निर्धारित किए गए हैं, क्लियर है। तो इतना आपका पूछा जाएगा। अब चलो देख लेते हैं कि हमको पढ़ना क्या है। तो फर्स्ट फ्लाइट जो प्रोज है ना, प्रोज से हम लोगों को पढ़ना है, प्रोज से पढ़ना है पहले अ लेटर टू गॉड, ठीक है, और नेल्सन मंडेला पढ़ना है, टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग के 2 पार्ट हैं, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन, ये पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, उसके बाद आपको पढ़ना है ग्लिम्पस ऑफ इंडिया पढ़ना है, और ग्लिम्पस ऑफ इंडिया के 3 पार्ट हैं, अवेकर फ्रॉम गोवा, कुर्ग और टी फ्रॉम आसाम। इनके लेखक के नाम आपको जरूर याद करना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपको परीक्षा में ऐसे मिलेंगे जो आपको क्या करेंगे, जो आपको नाम दे देंगे और पूछ लेंगे कि इसमें से कौन सा लेखक है, इसका राइटर है, सीधा सीधा क्वेश्चन 2 अंक का वहीं से बन जाता है। उसके बाद आपको मिजबल द ऑर्डर पढ़ना है, मैडम राइट द पर्स पढ़ना है, द सरमन एट बनारस पढ़ना है, द प्रपोजल, टोटल 9 चैप्टर इसके हैं, जिसमें पार्ट भी इसके हैं, ठीक है। तो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है कक्षा 10 का, बहुत ही विस्तार है, बहुत ही वास्ट है। अब आइए पोएट्री में, तो पोएट्री में आपको पढ़ना है डस्ट ऑफ स्नो, जिसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, और दूसरा पोएट्री है क्या है, फायर एंड आइस, इसको भी आपको पढ़ना है, और इसको भी किसने लिखा है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने ही लिखा है। फिर तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है प्यारे बच्चों, अ टाइगर इन द जू पढ़ना है, फिर हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल पढ़ना है, द बाल पोयम, फिर अमांडा पढ़ना है, द ट्रीज पढ़ना है आपको, और फिर पढ़ना है फॉग, क्या पढ़ना है, फॉग, और नवा चैप्टर आपको पढ़ना है द टेल ऑफ द कस्टर्ड द डेगन ड्रैगन, ठीक है, और दसवा पढ़ना है फ्रॉम एनी ग्रेगरी, ठीक है। इतने आपको पढ़ने हैं पोएट्री के, 10 चैप्टर आपको पढ़ने, ठीक है। अब देख लेते हैं सप्लीमेंट्री के कितने पढ़ने हैं। तो सप्लीमेंट्री के आपको पढ़ना है पहला चैप्टर अ ट्रम्प ऑफ सर्जरी, फिर पढ़ना है द थीफ्स स्टोरी, मिडनाइट विजिटर्स, ठीक है, ट्रम्प ऑफ सर्जरी, थीफ्स स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, ठीक है, मेकिंग साइंटिस्ट, ये दोनों चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, द नेकलेस पढ़ना है, और भोली हर साल क्वेश्चन पूछता है यहाँ से, और द बुक दैट सेव टू अर्थ, इतना आपको पढ़ना है। तो 9 चैप्टर पढ़ना है सप्लीमेंट्री से, 10 पढ़ना है पोएट्री से, और 9 ही किस कहाँ से पढ़ना है, प्रोज से पढ़ना है, ठीक है। तो 9, 9, 18 और 10 टोटल आपको 28 चैप्टर पढ़ना है। अब आप सोच लीजिए कि आपका सिलेबस कितना विशाल है, कितना वास्ट है, जिसमें अभी ग्रामर को हमने छोड़ा, 28 चैप्टर आपको पढ़ना है। तो इसीलिए बिना देरी किए हुए अभी से आप लोग क्या करिए, मेहनत करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और प्यारे बच्चों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।